कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पद संभालने के बाद बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बुधवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जगह कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में गांधी परिवार के सदस्यों के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कुल 47 वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। ये कमेटी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जगह पर काम करेगी। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के संविधान को ध्यान में रखते हुए इस नई कमेटी का गठन किया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से एक एक प्रेस नोट भी जारी किया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि पार्टी के संविधान के तहत इस स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है, जो अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जगह काम करेगी।